सियाज लेकर कोका ना सकते नहीं। अब इस कार को रफ्तार के साथ पकाएंगे। मेरा ड्राइविंग सीट इन्होंने छीन लिया है। फॉरनर्स को देखिए, ये लड़का है साइकिल चला रहा। गाना बढ़िया चल रहा है तो गाड़ी आगे की। मस्त डॉल्फिन देखेंगे भाई। पूरा इस स्पॉट के बारे में ना एक गाइड भी हमारे साथ रहेंगे, तो वो हमको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या कैसे है। यहाँ पे डॉल्फिन है, यहाँ पे दो वो। बात करें ना कि सियाज लेकर कोकन आ सकते हो कि नहीं, आ सकते हो आप। बट अगर गोवा जाने का होगा ना आपको, तो कोकन होके जाना होगा तो इजीली जा सकते। लेकिन एक और मेन जो रास्ता है ना पुणे टू गोवा, वो बहुत खराब है, जो कि कोल्हापुर होके जाता है। उस रास्ते पे तो सेडान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एसयूवीज को स्ट्रगल करना पड़ जाता है। और चलो अब आपका भाई ड्राइव करेगा थोड़ा दूर। कोकन में हर एक ऐसा स्पॉट मिलेगा ना आपको बीच बीच में, जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगेगा। जैसे उसमें से एक ये भी था, ऐसा आगे भी मिल सकता है अपने को मे बी। तो चलो निकलते हैं। और कार की परफॉर्मेंस की बात करें ना, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस कहीं कहीं पे सीएनजी अपन चला रहे हैं ना, थोड़ा सा लैग हो रहा है कहीं कहीं पे, वो भी जहाँ पे ज्यादा ऐसा एसेंट रह रहा है पहाड़। चलो अब इस कार को रफ्तार के साथ पकाएंगे। गाइस, हम ये स्पॉट करके अभी तुरंत निकल चुके हैं और मेरा ड्राइविंग सीट इन्होंने छीन लिया है। इनको बोलिए कमेंट सेक्शन में कि मुझे भी ड्राइविंग दे गाइस। और अभी हम जा रहे हैं विजय दुर्ग, वहाँ पे जाके किले का कुछ दिखाएंगे। गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, रात में बहुत ठंडी थी। खैर, ये देखिए चिंपांजी। चिंपांजी वैसे नहीं है, ये लंगूर टाइप का था। ये देखिए पापा जा रहे हैं, बेटा जा रही है, और पीछे से इसकी मामा आ रही है। ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं कोंकण में। गाइस कितना अच्छा है बताओ। और आई थिंक फॉरेनर्स है ना, फॉरेनर्स है। इंडियंस भी करते हैं, लेकिन इंडियंस कार से राइडिंग करते हैं, पापा मम्मा बेटा। लेकिन फॉरेनर्स को देखिए, ये लड़का है साइकिल चला रहा है, उसका बाप भी साइकिल चला रहा है और उसका मम्मी भी चला रही है। फॉरेनर्स ना ऐसे साइकिलिंग करते तो अपने बच्चों को खींचते हैं, और इंडिया में ऐसे गाड़ी खराब हो जाती है हम अपने बच्चों को खींचते हैं एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को। ये चीज अपने को ना जब गाड़ी खराब होगी तभी दिखेगा। और देखो उनका, देखो यार क्या था ना, गूजबम्स आ गया था देख के, मजा आ गया। मतलब हमने कभी किया नहीं है, मैं भी कर सकते आगे, बट भाई सैल्यूट टू देम। यहाँ पे अपन रुके थे, इतना खूबसूरत लोकेशन है, आप लोगों ने देखा ही होगा अभी जस्ट सिनेमैटिक्स में। भाई यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो करते हैं। और लिटरली यार कोकन ना बहुत खूबसूरत है। गोवा भी सेम मेरे को कुछ पॉइंट्स पे ऐसा ही फील दिया था, सेम वाइब था। बट वहाँ पे ना क्राउड ज्यादा होता है, ऑब्वियसली आप लोग जानते ही हो, प्लस बहुत ज्यादा टूरिस्ट रहते हैं ना। तो यहाँ पे आप एकदम पीसफुल, ऐसा पीस भाई, ऐसा पीस मिलेगा ना आपको, मजा आ जाएगा। तो चलो थोड़ा ये सब भी करते हैं, ये सब भी जरूरी है भाई, क्योंकि अपना मेमोरी तो ब्लर हो जाता है, बट ये मेमोरी ना अपने को ये ब्लर रिस्पॉन्स सब सही कर देता है। गरियार है सब मेरे को।
चल रहा है तो गाड़ी गुरु राइट लेफ्ट आगे की, जो चलाने वाला तुम्हारा अपना भाई है। अभी गाड़ी मेरा भाई चला रहा है। कौन चला रहा है? मेरा भाई ज्ञानू। तुम गाड़ी चला रहे हो क्या? हाँ, ऐसे नहीं चला जाता। कैसे नहीं चला जाता ज्ञानू? ठीक है तो भाई, अभी हम ना फोर्ट आ गए हैं, विजय दुर्ग फोर्ट। और विजय दुर्ग फोर्ट के पास ही ना छोटा सा पोर्ट बना रखा है यहाँ पे, एक वगोटन रिवर करके, जो कि यहाँ पे ही मर्ज हो जाता है सी में। देखो ये तो भाई, ये रहा अपना पोर्ट छोटा सा। यहाँ पे देखो कुछ कुछ नाव लगा हुआ है, कुछ कुछ लोड भी होता है यहाँ पे। मैं देखा भी, ट्रक्स गए इसलिए बता रहा हूँ मैं। दिस इज वगोटन रिवर। और वहाँ पे देखो, वहाँ पे ना ये दूर यहाँ पे फोर्ट के पीछे ही है समुंदर में, ये रिवर जाके मर्ज हो जाता है। सो अभी जा रहे हैं हम विजय दुर्ग फोर्ट, और फोर्ट में जाके थोड़ा देखते हैं कैसा व्यू है, क्योंकि वहाँ से उसके पीछे ना पूरा समुद्र ही समुद्र, मजा आने वाला है। चलो आप भी, और वहाँ पे भी बहुत सारा नाव है, आई थिंक राइड भी मिलता है यहाँ से, उधर ले जाके घुमा के लाते होंगे, हम पता करते हैं, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। देखो गाइस, वहाँ पे जो फोर्ट है, फोर्ट समुद्र के बीच में क्यों बना है, कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। ये मुझे मेरे सर के बाहर है साला, आजकल घर नहीं बन पाता, इन्होंने इतना बड़ा किला बनवा दिया है। लेकिन नंद, हाँ जी, ये तो बीच में है ही नहीं, नंद साइड में है। साइड में है, वहाँ पे सोचिए वहाँ तक सीमेंट गया कैसे होगा। ये तो ये रास्ते से नंद, ये रास्ते से नहीं हो सकता गाइस, क्योंकि वहाँ पे ले जाना कोई बिना ट्रांसपोर्ट के, गाड़ी ना घोड़ा, घोड़ा तो था ही गाइस, गाड़ी नहीं थी। आई मुझे नहीं पता यार, कमेंट सेक्शन में बताओ, जो आर्किटेक्चर कर रहा है वो बता सकता है कि पिछले हिस्टोरियंस जो कैसे थे, वहां तक कैसे लेके जा रहे थे। और हाँ, देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठोक देना लाल बटन को, तुम ठोक के उसको सब्सक्राइब करो या उसको थूक के सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए गाइस। कर दो भाई अपना मराठा आर्मर रेडी, और हम पांच जन भी रेडी, और पांच जन अब चलते बोट पे और मस्त मस्त डॉल्फिन देखेंगे और क्या करेंगे। और भाई पूरा इस स्पॉट के बारे में ना एक गाइड भी हमारे साथ रहेंगे, तो वो हमको इन्फॉर्म करेंगे कि क्या कैसे है, क्या हिस्ट्री है, सब कुछ। भी चलते बोट पे, चल भाई। हाँ अच्छा, वो वाले में भाई मराठा आर्मर इधर है रेडी अपना। दादा मजा करा देने का, ये रहा अपने बोट का पावरफुल मशीन। डीजल से चलता है या पेट्रोल से? अच्छा, बोट्स पे है ना, तो ये बहुत जरूरी चीज है, मैंडेटरी। हाँ, बिकॉज दिस गिव्स अस अ सेकेंड लाइफ, दिस इज सो इम्पोर्टेंट ब्रो। अभी इसको ऐसा लॉक करने का और निकलने का, बवाल मचा देंगे, कमाल कर देंगे। अंदर बैठा है जैकेट पहन के आगे बोट में, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा तरफ पानी है, और सीधा अपन जाते हैं, आधे घंटे का राइड है। चलो देखते हैं आपको क्या क्या हिस्ट्री मिलता है, और नई वो वाले बोट वाले भैया जो यहाँ पे हमारी हमारी जान हथेली में लेके घूम रहे हैं, और वो वाले जो सर है वो हमको गाइड करेंगे। चलो गाइस एंजॉय करते हैं, लेट्स एंजॉय। एक डॉल्फिन दिख रहा है, सभी खड़े हो गए वीडियो बनाने लगे, और बहुत कुछ बताया दादा ने हमको इस किले के बारे में। 12 ऐसा तोप रखने का जगह है, अलग अलग पॉइंट्स बनाया है, और एक दो तीन गेट है जो कि दो अभी एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट पानी का रास्ता जैसे। एक तो वहाँ दिख रहा है मेरे को, एक पीछे था उधर, और ये उस पार में ना क्या बोलते हैं, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, एंड दिस इज द सिंधुदुर्ग, और वो है रत्नागिरी। सो ऐसा है कुछ, और ये अपन खाड़ी में एग्जैक्टली, सामने पूरा समुद्र और ये नदी, तो ऐसा है कुछ भाई। इस पे डर भी लगता है मेरे को पानी से, कि अपन प्रॉपर स्विमिंग नहीं जानते। यहाँ पे डॉल्फिन्स है, यहाँ पे दो दो पेयर में। अरे तीन तीन है। ओ भाई एकदम सामने ही आ गए रे। अच्छा फोटो निकाला है यार, निकालने की कोशिश करता हूँ।
अबे एक ही बार अंदर चले गए क्या? गायब हो गए, गायब हो गए गाइस। अच्छा हमको देख के डर गए होंगे ना? नहीं आवाज आती ना मस्त। हाँ भाई बहुत बाजू में है, बहुत बहुत पास में ना, पास में, इतने पास में नहीं रहते। सच में तीन तीन थे, मेरे को स्टार्टिंग में लगा दो ही है, तीन तीन थे। मजा आया? मजा आया। इतने पास से तो मैं भी डॉल्फिन नहीं देखा हूँ। पहले मैं देखा हूँ उड़ीसा में, बट बहुत दूर से देखा था यार, तो बहुत ही पास आ गया था, बहुत ही पास। और अभी चलते हैं समुद्र की तरफ। ऐसा सीन है कि ये जो किला है ना, वो समुद्र अगर से कोई अगर आता है तो उसको ये दिखता नहीं है, क्योंकि ये खाड़ी के अंदर है। उस वाले पोर्शन पे वहाँ पे एक छोटा सा दिखेगा आपको, ध्यान दोगे तो किले जैसा। तो किसी को भी लगता था कि किला वहाँ पे है, तो शत्रु जो है, मतलब जो एनिमी है ना, वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते थे वहाँ पे वॉर करने के लिए। बट इधर से इन्फॉर्म कर दिया जाता था इस किले पर, तो ये लोग फिर सेल्फ डिफेंस में शत्रु को मार देते थे, ऐसा है अभी दादा ने बताया मेरे को। मजा आया, ये अच्छा प्लान था भाई। हम तो इस बोट का मजा ले लिए हैं, और इस बोट जब बीच में जा रही थी तो बोट ऐसा ऐसा हो रहा था, हमारा दिल भी ऐसा ऐसा हो रहा था। तो भाई लोग अभी हम बोट से उतर चुके हैं, यहाँ पे अपन पांच जन थे, तो हमारा 700 में पूरा हो चुका है गाइस। हेलो, अभी बोट राइड तो हो गई है, अभी कहाँ जा रहे हैं अपन? खाना खाने, क्योंकि बहुत तेज भूख लगी है। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, क्या गुरु? हाँ जी, पहले खाना खाए। तो भाई अभी मच्छी वच्छी खाते हैं, क्योंकि यार कोकन में आओ और मच्छी ना खाओ तो फिर क्या ही मतलब ना, क्या ही मतलब। तो चलो मच्छी एंजॉय करते हैं।